हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीमेंट। आज हम इंटीग्रल स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो इंटीग्रल में हम कुछ कुछ बातें है जिनको हम प्रॉब्लम्स कहेंगे, ठीक है, और उस प्रॉब्लम को स्टडी करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो चैप्टर है वो इंटीग्रल है, ठीक है। इंटीग्रल्स समझेंगे, इंटीग्रल्स के बारे में, ठीक है। देखिए, इंटीग्रल्स में बात किया जाए तो इसमें दो प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। दोनों प्रॉब्लम्स के अलग अलग चैप्टर का नाम है, ठीक है। देखिए, प्रॉब्लम वन को बात करेंगे। प्रॉब्लम वन में तो ये क्या होता है, क्या ये होता है, फाइंड द फंक्शन वेन इट्स डेरिवेटिव इज गिवन। डेरिवेटिव व्हेन इट्स डेरिवेटिव इज गिवन, ठीक है, ये समझ रहे हैं। देखिए, इंटीग्रल में दो प्रॉब्लम्स, एक जो आपको डेरिवेटिव गिवन रहेगा, फंक्शन फाइंड करना रहेगा, ठीक है। दूसरा सेकेंड प्रॉब्लम्स, इसमें क्या करना है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन अंडर सर्टेन कंडीशन, ठीक है, सर्टेन कंडीशन, ठीक है। ये दो प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, इन दोनों प्रॉब्लम को समझने से पहले मैं ले चलता हूँ आपको इलेवेंथ में, ठीक है। इलेवेंथ क्लास में जिसने आप पढ़े थे, क्या डिफ्रेंशिएशन पढ़ चुके हैं, डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो इसमें देखिए, डिफ्रेंशिएशन में क्या था, आपको जैसे एफ एक्स था, ठीक है, एफ एक्स इसको हम लेते थे क्या, वाई, वाई इक्वल टू एफ एक्स, एफ एक्स वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, वाई जो है फंक्शन है किसका, एक्स का। इसको वाई इक्वल टू कोई हम फंक्शन ले रहे थे, जैसे कि छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, वाई इक्वल टू छोटा सा एग्जाम्पल के लिए एक फंक्शन लेता हूँ, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट इज वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको बोलूँगा मैं कि डिफ्रेंशिएशन फाइंड कीजिए। कैसे फाइंड कीजिएगा, देखिए आप फार्मूला पढ़ चुके हैं कि एक्स द पावर एन रहेगा, एक्स टू द पावर एन, देन इट्स डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट एक्स क्या होगा, एक्स के पावर कितना एन है, नीचे क्या है, डी एक्स है, ये डी एक्स का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। डी एक्स का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब होता है, समझ गए। तो एक्स टू द पावर एन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट एक्स क्या होगा, एन पावर में है तो एन मल्टीपल में एन टू एक्स का पावर। देखिए, डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है कि एक्स का पावर जो भी रहता है उसमें से क्या होता है, माइनस वन होता है, तो एन पावर है उसमें से माइनस वन होगा, ये होता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से क्या होगा, टू एक्स हो जाएगा, देख सकते हैं टू एक्स। तो देखिए, इसमें क्या था, आपको एक फंक्शन दिया रहेगा, आपको डेरिवेटिव फाइंड करना रहेगा, देख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको वाई को और एक तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो डी इस वाई को किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, इसलिए डी एक्स, ठीक है। ये वाई है इक्वल टू कितना होगा, टू एक्स। ये जो आया, ये क्या है आपका, ये जो आया एक क्या है, ये एक डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव, ठीक है, ये डेरिवेटिव है, समझ गए, ठीक है। ये क्या था हमारा, एक फंक्शन दिया रहेगा, ठीक है, एक फंक्शन दिया गया था, फंक्शन अब गिवन रहेगा, ठीक है, फंक्शन गिवन रहेगा डिफ्रेंशिएशन में, अब बोलेगा इसका डिफ्रेंशिएशन फाइंड कीजिए,
डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, ठीक है। तो देख सकते हैं वाई इक्वल टू एफ एक्स, एफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर, यानी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है जो आपको दिया गया है, पूछ रहे इसका डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, डेरिवेटिव कितना होगा, टू एक्स होगा। अब देखिए अब बात करते हैं अब इंटीग्रल्स के। अब इंटीग्रल्स में क्या होगा कि आपको क्या होगा कि क्या डेरिवेटिव दिया रहेगा, ठीक है, यानी कि डेरिवेटिव आपको क्या रहेगा, गिवन रहेगा डेरिवेटिव। अब गिवन रहेगा तो हम बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डेरिवेटिव इसमें बात करें, ठीक है, इसमें डेरिवेटिव कौन सा है, टू एक्स है, टू एक्स। तो डेरिवेटिव को यहाँ पर लिखेंगे टू एक्स, ठीक है, यानी डेरिवेटिव को गिवन रहेगा किसमें, इंटीग्रल के, हम बात कर रहे हैं किसमें, इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रल, ठीक है, जो कि ट्वेल्थ क्लास में है इंटीग्रल, ठीक है, समझ रहे हैं। इंटीग्रल में क्या होगा, को डेरिवेटिव गिवन रहेगा, मतलब ये डेरिवेटिव हो गया टू एक्स, ठीक है, अब इसको इंटीग्रल करेंगे, ये क्या था हमारा डेरिवेटिव अगर गिवन रहेगा, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव आपको गिवन रहेगा, ठीक है, डेरिवेटिव क्या रहेगा, गिवन रहेगा। तो बोलेगा इसका फंक्शन फाइंड कीजिए, तो किस फंक्शन का डेरिवेटिव था, ये जो डेरिवेटिव है किस फंक्शन का है, वही पता करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन लगाएंगे, ठीक है, ये जो देख रहे हो ऑपरेशन बता रहा हूँ, देखिए ये जो ऑपरेशन दिख रहा है, ये जो साइन सिंबल दिख रहा है एफ की तरह, ये इसको बोलते हैं क्या, एक ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन का नाम क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ, इसका नाम है इंटीग्रल ऑफ, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ, जैसे एक ऑपरेशन हो गया, यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, डी एस के रिस्पेक्ट में, समझ रहे हैं। तो इस एफ जो एफ देख रहे हैं, यह जो सिंबल देख रहे हैं, ठीक है, यह सिंबल है, ये सिंबल को बोलते हैं ऑपरेशन, और जिस फंक्शन पर ऑपरेशन लगता है, ठीक है, एफ एक्स पर क्या हुआ, एफ एक्स पर एक ऑपरेशन हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये तो हमारा ऑपरेशन है, इसका नाम क्या है, इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ, इसको पढ़ने का तरीका, इंटीग्रल ऑफ, इसका नाम इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स, यानी इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स पढ़ेंगे, ठीक है, समझाएंगे, ठीक है। देखिए पहले इसके बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है, आपको डेरिवेटिव गिवन रहेगा, आप बोलेगा कि फंक्शन फाइंड कीजिए, जो आप यहाँ पर पहला प्रॉब्लम्स में देख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर चलिए ऑपरेशन करते हैं इंटीग्रल, इंटीग्रल का टू एक्स किस रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, अब यहाँ से देख सकते हैं कि एफ एक्स, देखिए टू क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो टू को हम बाहर लेते हैं, जैसे डिफ्रेंशिएशन क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट को आप अगर वेरिएबल के साथ, वेरिएबल के साथ, जैसे कि क्या है, वेरिएबल के साथ अगर कॉन्स्टेंट लगा रहा था उसमें, तो आप कॉन्स्टेंट को बाहर लेते थे, इसमें क्या कॉन्स्टेंट टू है, तो इसको बाहर ले लेंगे, तो क्या बचेगा, एक्स डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा कि देखिए आप एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, किसमें इंटीग्रेशन है, देखिए ये होता है, ये ऑपरेशन है किस पर, एक्स का पावर है डी एक्स, ये जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, एक्स होगा, तो इसमें देखिए डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है कि पावर, पावर में से क्या होता था, एक लेस, और इसमें क्या होता है, पावर में प्लस वन होता है, तो एन है, तो एन प्लस वन हो, और जितना हम पावर में, जितना पावर आप ऊपर दिखते हैं पावर, उसको क्या करते हैं, सेम नीचे लिखते हैं, ठीक है, ये होता है इंटीग्रेशन का फार्मूला या इंटीग्रल फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि देखिए अब इसका करेंगे, इसका कैसा होगा, ऐसा देखिए इसका एक्स का पावर कितना है, वन है, ठीक है, कितना होगा, टू इन टू, इस पावर वन है, तो एक्स पावर कितना जाएगा, वन प्लस वन, टू अपॉन वन प्लस वन इक्वल टू टू, तो टू से टू कैंसिल, तो ये क्या आया, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर हमारा क्या था, देख सकते हैं ये जो था, ये देख सकते हैं क्या था हमारा, फंक्शन था, ठीक है, ये देख सकते हैं ये जो था, ये हमारा एक डेरिवेटिव था, देख सकते हैं, ठीक है। तो वही कहता है डिफ्रेंशिएशन में आपको फंक्शन दिया जाएगा, डेरिवेटिव फाइंड करना रहता है, लेकिन जब इंटीग्रल की बात करेंगे तो आपको डेरिवेटिव दिया जाएगा, अब बोलेगा फंक्शन फाइंड कीजिए, देखिए यहाँ पर डेरिवेटिव आपको पता है, तो यहाँ पर क्या आया, फंक्शन आया, समझ गए, डेट इज, कहने का मतलब है कि जो इंटीग्रल होता है डेरिवेटिव का ठीक उल्टा होता है, यानी अपोजिट होता है, ठीक है, यानी बोल सकते हैं डेट इज में इंटीग्रल
इंटीग्रल इज इनवर्स ऑफ इंटीग्रल इज इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, और इंटीग्रल का सेकेंड नाम क्या है? एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, इंटीग्रल का सेकेंड नाम है, या इसका और नाम क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये तो समझ गया कि प्रॉब्लम्स वन को हम डिस्कस किए हैं और प्रॉब्लम्स टू क्या है। देखिए अब ये जो आप प्रॉब्लम वन किए हैं, जो देख रहे हैं बोर्ड पर देख रहे हैं, इसका नाम क्या पड़ेगा इस चैप्टर का? देखिए जो पहला कंडीशन है ये भी एक चैप्टर है, सेकेंड है प्रॉब्लम, वो भी एक चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स वन को नाम पड़ेगा, यानी प्रॉब्लम्स वन का नाम पड़ेगा क्या? इनडेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स नाम पड़ेगा। समझ गया ना प्रॉब्लम्स वन को। अब प्रॉब्लम्स टू क्या है उसका भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स वन था। ठीक है, प्रॉब्लम्स वन कहता है कि हमें एक डेरिवेटिव गिवन रहेगा, फंक्शन फाइंड कीजिए। ठीक है, अब यहाँ से समझा देना चाहता हूँ। देखिए अब रहा जो प्रॉब्लम्स हमारा, ये प्रॉब्लम्स टू है, यानी ये वाला है। इसमें कह रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन अंडर सर्टेन कंडीशन, यानी आपको कंडीशन दिया गया गिवन रहेगा। समझ रहे हैं, आपको कंडीशन गिवन रहेगा, बोलेगा कि इस फंक्शन के ग्राफ के द्वारा हमको एरिया फाइंड करना है। ठीक है, जितना हम एरिया बाउंड किए हैं वही फाइंड करना है। डेट इज, समझाने का मतलब है कि देखिए यह रहा एक्स एक्सिस, यह रहा वाई एक्सिस। ठीक है, अब एक कंडीशन रहेगा जिसके एक्स इक्वल टू ए लीजिए। ठीक है, एक्स इक्वल टू ए इज ए कंडीशन, एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू ए मतलब कि यहाँ आया। ठीक है, एक्स इक्वल टू बी डिस्टेंस इतना आया। ठीक है, तो ये एक्स इक्वल टू ए जो होता है ये क्या होता है? एक लाइन होता है। ठीक है, ये किसके पैरेलल होता है? वाई एक्सिस के पैरेलल होता है दोनों। ठीक है, आगे के ग्राफ, देखिए एक ग्राफ लेंगे, ऐसा हमारा कि ग्राफ हो गया। ठीक है ना, सॉरी ये जो देख रहे हैं एक कर्व हो गया, इस कर्व का नाम होता है क्या? वाई इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, फंक्शन का ये ग्राफ हो गया, फंक्शन का एक ग्राफ हो गया, या बोलेंगे कि फंक्शन का एक कर्व है, दोनों सेम है। ठीक है, इस फंक्शन के कर्व के द्वारा या फंक्शन के ग्राफ के द्वारा हम जितना एरिया, ये देख रहे हैं एरिया जितना भी हम बाउंड कर रहे हैं, देख रहे हैं एरिया बाउंड कर रहे हैं। ठीक है, तो एक एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी दोनों कंडीशन आपको दिया गया रहता है, सर्टेन कंडीशन है। ठीक है, और इस एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स देख रहे हैं, इस फंक्शन के ग्राफ के द्वारा जितना हम एरिया बाउंड कर रहे हैं, इसी बाउंड देखिए एरिया बाउंड सॉरी जितना हम बाउंड कर रहे हैं, देख रहे हैं इस फंक्शन के ग्राफ के द्वारा जितना हम ये बाउंड कर रहे हैं, ठीक है, एरिया वही फाइंड करते हैं। यानी डेट इज, कहने का मतलब जितना भी हम मतलब कलर किए हैं, देख रहे हैं जितना हम कलर किए हैं, यानी जितना एरिया हम बाउंड किए वही फाइंड करना रहेगा आपको। ठीक है, तो ये देखिए अब इसका नाम एक पढ़ता है, इस चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, इंटीग्रल्स, और इसका बात करेंगे तो ये कौन सा ये चैप्टर का नाम है, और इसको इसको बोल सकते हैं क्या? ये प्रॉब्लम वन था हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रल, अब प्रॉब्लम्स टू क्या था? प्रॉब्लम टू क्या है? डेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रल इंटीग्रल ठीक है इनडेफिनिट सॉरी डेफिनिट इंटीग्रल। प्रॉब्लम जो वन है वह इनडेफिनिट था इंटीग्रल, और प्रॉब्लम्स टू है डेफिनेट इंटीग्रल है। ठीक है, समझ गए? तो देखिए और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सिर्फ अभी हम
प्रॉब्लम वन को डिस्कस करेंगे जो कि इनडेफिनिट इंटीग्रल है, ठीक है। अब ये जो प्रॉब्लम टू देख रहे हैं इसको हम अलग से चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, हम करेंगे क्या कि हम क्या करेंगे, इफ एक फंक्शन लेंगे फाई एक्स, ठीक है, क्या लेंगे फाई एक्स, और इस फाई एक्स पर क्या करेंगे हम डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है। यानी इसको अच्छे से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, समझ गए। यानी एक फंक्शन फाई एक्स लिया, उसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, मान के हमारा कुछ आएगा, कोई फंक्शन आएगा, पर फंक्शन डेरिवेटिव आएगा, ठीक है। देखिए फंक्शन, इसको फंक्शन लेंगे, अभी क्या हम फंक्शन लेंगे, इस फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, देख सकते हैं, तो क्या आएगा, एक डेरिवेटिव आएगा फंक्शन को, जब डेरिवेटिव की जाएगा, जो हमारा वैल्यू आता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव फाइंड किए हैं, तो क्या आया, डेरिवेटिव है, ठीक है। यहाँ से आप बोल सकते हैं कि जो एफ एक्स है, एफ एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ किसका फाइव एक्स, ठीक है, फंक्शन फाइव एक्स, ठीक है, फंक्शन फाइव एक्स ये बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। आप जैसे जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, देखिए अभी बताए थे कि मान कि ये डेरिवेटिव आ गया, ये क्या था, डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव का ऑपोजिट क्या होता है, इंटीग्रल होता है, ठीक है, क्या होता है, इंटीग्रल। तो ये तो मैं डेरिवेटिव, इसका ऑपोजिट क्या होगा, फाई एक्स, ये जो फंक्शन है फाई एक्स फंक्शन है, ठीक है। देखिए अभी बताए थे हम कि डेरिवेटिव में क्या रहेगा कि आपको गिवन क्या रहेगा, गिवन फंक्शन रहेगा, ठीक है। और फाइंड डेरिवेटिव, लेकिन जब इंटीग्रल का बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, इंटीग्रल का बात करेंगे जिसमें आपको गिवन क्या रहेगा, गिवन डेरिवेटिव, ठीक है, और फाइंड क्या करना पड़ेगा आपको, क्या फंक्शन फाइंड करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे का ऑपोजिट है, इसमें आपको गिवन है क्या, फंक्शन, ठीक है, डेरिवेटिव फाइंड करना है, और इंटीग्रल में क्या है, आपको गिवन है डेरिवेटिव, फंक्शन फाइंड करना है, क्या एक दूसरे का ऑपोजिट है। तो आप बोल सकते हैं ये जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का उल्टा कौन है, ये एफ एक्स, समझ रहे, एफ एक्स जो डेरिवेटिव है इसका ऑपोजिट कौन है, फाई एक्स। तो फाई एक्स क्या होगा, इंटीग्रल वैल्यू होगा, इंटीग्रल होगा, समझ रहे ना, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, फाई एक्स इज कॉल्ड, ये लिख देंगे, एफ एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन फाई एक्स, एंड लिख देंगे क्या, एंड फाई एक्स इज कॉल्ड क्या, इंटीग्रल, फाई एक्स इज कॉल्ड द इंटीग्रल, फाई एक्स इज कॉल्ड द इंटीग्रल ऑफ किसका, इंटीग्रल, देखिए आई इंटीग्रल का सेकेंड नाम क्या है, और बोल सकते हैं, या इसका दो नाम है, इसका नाम है क्या बोल सकते हैं, प्रिमिटिव फंक्शन, ठीक है,
प्रिमिटिव फंक्शन, और इसका एक और नाम नाम है क्या, एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव इसका सेकंड नाम होगा, नेम हो गया प्रिमिटिव फंक्शन या एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रल का ही नेम है, ठीक है। और किसका, इंटीग्रल ऑफ किसका, फंक्शन डेरिवेटिव एफ एक्स का, देख सकते हैं डेरिवेटिव एफ एक्स है, ठीक है। एफ एक्स क्या, किसके रिस्पेक्ट में, एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट किसके एक्स, देखें। अब देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये डेरिवेटिव है, इसका ऑपोजिट कौन सा फंक्शन है, ये, क्योंकि इंटीग्रल क्या होता है, फंक्शन फाइंड करना रहेगा, ठीक है, फंक्शन फाइंड करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डेरिवेटिव है इसका, इसका हम किस फंक्शन का डेरिवेटिव किए हैं, फाइव एक्स को, तो जिस फंक्शन को हम डेरिवेटिव किए हैं वो फंक्शन ही हमारा इंटीग्रल वैल्यू कहलाएगा, ठीक है, इंटीग्रल कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, सिंस चूँकि अब क्या होगा, यहाँ पर जो फाइव एक्स इज द इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, ठीक है, इसको लिख सकते हैं क्या, सो अब इसको लिख सकते हैं कि अगर फाइव एक्स प्लस सी, ठीक है। देखिए अब क्या कर सकते हैं कि अगर फाइव एक्स प्लस सी कोई फंक्शन लिया, ठीक है, फाइव एक्स प्लस सी कहने का मतलब है कि जैसे फाइव एक्स कोई फंक्शन लिया, जैसे टू प्लस सॉरी फंक्शन कोई ले लिया, फंक्शन कोई ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, जैसे एक्स स्क्वायर अभी फंक्शन लिए थे, ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट कोई टू हो गया, इसका डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, इसका डेरिवेटिव फाइंड कीजिए तो क्या होगा, टू एक्स होगा, इसका टू एक्स होगा एक्स स्क्वायर का, अब प्लस ये कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो कितना होगा, टू एक्स होगा, समझ रहे हैं, टू एक्स होगा। उसी टाइप से फाइव एक्स प्लस सी का हम डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये इसको देखिए अब क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे, ठीक है, एडिशन का फॉर्म में, क्योंकि डेरिवेटिव का एक फार्मूला होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये होगा डी बाई डी एक्स, और क्या होगा, फाइव एक्स, हाँ फाइव एक्स, ठीक है, प्लस होगा उसके बाद क्या होगा, डी वाई डी एक्स क्या है, सी है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, देख सकते हैं डेरिवेटिव कौन था, जब फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आया था, एफ एक्स आया था, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि एफ एक्स आएगा, ठीक है। और देखिए ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, इक्वल टू किसका है, एफ एक्स, समझ गए, यानी जब डेरिवेटिव में कांस्टेंट हम ऐड करते हैं, ठीक है, सॉरी फंक्शन में हम जब कोई, देखिए अब ये तो ये था, इसको बोल सकते हैं क्या, इसको डी बाई डी एक्स को हम बोल सकते हैं क्या, एफ डैश एक्स, जिस नाम जानते ही होंगे आप, ठीक है, डेरिवेटिव का डी बाई डी एक्स जो होता है इसको हम एफ डैश भी बोलते हैं, समझ रहे हैं, एफ डैश एक्स बोलते हैं, या एफ वन के नाम से भी जानते हैं डी बाई डी एक्स को, समझ रहे हैं, ये एक ही नाम है, इसलिए हम इसको मैं क्या करूँगा कि इसको लिख दूँगा क्या, इसको लिखता हूँ कैपिटल एफ डैश, ठीक है, क्योंकि एफ स्मॉल लिख चुके हैं, तो कैपिटल एफ एक्स एफ क्या फाइव एक्स प्लस सी, डेरिवेटिव हो गया फाइव एक्स प्लस सी का, क्या आया था, एफ एक्स आया था, ठीक है। जब इस फंक्शन का, ये था हमारा फंक्शन डेरिवेटिव, फंक्शन गिवन रहेगा, जो फाइंड करेंगे वो डेरिवेटिव आएगा, तो ये क्या होगा हमारा, डेरिवेटिव आएगा, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव आ गया, फंक्शन क्या है, एफ एक्स हमारा डेरिवेटिव है। देखिए इस डेरिवेटिव फाइंड जो फाइंड किए हैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करके इस फंक्शन का, तो ठीक है, तो ये फंक्शन फाइव एक्स प्लस सी है, ये जो फंक्शन होगा, ठीक है, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा आपका, इंटीग्रल कहलाएगा,
रन देख सकते हैं फाइव एक्स स्क्वायर द इंटीग्रल ऑफ किसका एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये एफ एक्स क्या था, हमारा डेरिवेटिव था। ठीक है, तो देखिए जब फंक्शन क्या किया, कांस्टेंट ऐड किया है, यहाँ पर देख सकते हैं फंक्शन जब हम कांस्टेंट ऐड किए हैं तो डेरिवेटिव में क्या हुआ, एफ एक्स डेरिवेटिव आया, यानी क्या हुआ, सी कैंसिल हो गया, मतलब जीरो हो गया, हट गया, बात खत्म। तो उसी टाइप से क्या करेंगे कि देखिए अब क्या करेंगे, अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिख सकते हैं कैसे हम कि ठीक है, इसको लिख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं कैसे, यदि हम देखिए अब ये सब समझ गए यहाँ तक। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन होता क्या है, आज सी क्या हमारा कांस्टेंट है यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन वो होता है, देखिए इंटीग्रल क्या, इंटीग्रल जब फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, जब फंक्शन का कोई डेरिवेटिव करते हैं तो ये एफ एक्स आ गया तो डेरिवेटिव है हमारा। ठीक है, इस देखिए इस ध्यान दीजिएगा, इस फंक्शन पर डेरिवेटिव भी है एक्स रिस्पेक्ट में, एफ एक्स आया, तो इससे एफ एक्स को हम डेरिवेटिव बोलेंगे, और इसका अपोजिट क्या है, और इसके मतलब ये डेरिवेटिव किस फंक्शन का है, फाइव एक्स फंक्शन का है डेरिवेटिव, एफ एक्स जो है ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, फंक्शन एफ एक्स, तो फंक्शन एफ एक्स को हम इंटीग्रल बोलेंगे। ठीक है, इंटीग्रल, ठीक समझ गए, अब इंटीग्रल बोलेंगे, इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए इंटीग्रेशन जो होता है ये होता है, लिखेंगे द प्रोसेस फाइंडिंग द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव को सेकंड नाम इंटीग्रल, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन गलत है, इंटीग्रेशन। ठीक है, समझ गए, देखिए अब इसको लिख सकते हैं कैसे, देखिए ये जो डी एक्स है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं अपॉन वन करेंगे। ठीक है, तो ये डी एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा, एफ एक्स या डी एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा डी एक्स। अब ये जो डी है ये डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव होता है, ये इसका इन्वर्स करना था, क्या होगा, जाके इंटीग्रेशन बन जाएगा, यानी इंटीग्रल बन गया, ये इंटीग्रल ऑफ का साइन है, सिंबल है। ठीक है, तो देख सकते हैं ये इंटीग्रल डी जो बन गया, इंटीग्रल एफ एक्स ये डी एक्स मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, देखिए सॉरी, ये एफ एक्स और डी होता है मल्टीप्लाई नहीं होता है। ठीक है, ये एक ऑपरेशन होता है फंक्शन एफ एक्स पर। ठीक है, ऑपरेशन होता है एफ एक्स पर किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब ये होता है, इसको पढ़ने कैसा है, हम फंक्शन एफ एक्स पर इस सिंबल के द्वारा ऑपरेशन किए हैं, इसका नाम है ऑपरेशन, इस ऑपरेशन का नाम है इंटीग्रल ऑफ, पढ़ेंगे इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका नाम डी एक्स को क्या नाम पड़ेगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका बोलेंगे इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको पढ़ने का तरीका। ठीक है, समझ गए, मल्टीप्लाई नहीं होता, लेकिन देखिए जब डी बाई डी एक्स यहाँ पर डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का इन्वर्स क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रल होता है, तो डी बाई डी एक्स है, तो देख सकते हैं फंक्शन जो है, फंक्शन पर क्या होगा, देखिए ये जो फंक्शन था, फंक्शन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन था या डेरिवेटिव था, एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पर किए हैं, तो ये जो एक्स रिस्पेक्ट में किए हैं, ठीक है, वो डेरिवेटिव में क्या होगा, देखिए एफ एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंस इंटीग्रेशन करेगा, देखिए यहाँ पर डेरिवेटिव है, इसका अपोजिट इंटीग्रल देख सकते हैं, इंटीग्रल आ गया। ठीक है, और ये डी एक्स है, इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहा था एक्स के, सॉरी डेरिवेटिव कर रहा था एक्स के रिस्पेक्ट में, ध्यान दीजिएगा, ये जो डी एक्स देख रहे हैं,
dx का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो अगर dx होता है वो क्या होता है, इसका मतलब होता है शॉर्टकट में WRTX, यानी विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब होता है dx का, ठीक है। यहाँ पर फंक्शन, तो ठीक है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे थे x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। आपका डेरिवेटिव क्या है, एफ एक्स। अब इस एफ एक्स को फिर जो डी एक्स है एफ एक्स को अब इंटीग्रल इंटीग्रल करेगा एक्स के रिस्पेक्ट में, समझ गए ना। यहाँ पे डेरिवेटिव था इसका, ये जो डी बाई डी एक्स इधर आएगा इन्वर्स में, यानी लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड में आएगा तो क्या बनेगा, इंटीग्रल बन जाएगा ये वाइस है, ठीक है, समझ गए। तो डी एक्स है, डी एक्स इस फंक्शन को डेरिवेटिव कर रहा था, जब इधर राइट साइड में लगाएंगे तो इस एफ एक्स जो डेरिवेटिव था, तो इस डेरिवेटिव को क्या करेगा, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल इंटीग्रल इंटीग्रेट करेगा या इंटीग्रल करेगा, समझ गया। तो आप देख सकते हैं इस एफ एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, इंटीग्रल कर रहा है, समझ गया ना, यानी डी बाई डी एक्स का और सिटी के ऑपोजिट, समझ गए। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर इसको पढ़ने का तरीका है, आप नोट कर लीजिएगा, ये किसके इक्वल होगा, ये जो इक्वल होगा, ये इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, फाइव एक्स प्लस सी। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मिनट, इसको एफ डैश एक्स ना लिख कर आप वही लिखें डी बाई डी एक्स, अच्छा रहेगा, समझ गए, ये अच्छा रहेगा, ठीक है। ये रहा किसका, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन रहा, ये रहा डी बाई डी एक्स, समझ गए। और डी बाई डी एक्स तो इस फाइव एक्स प्लस सी एक फंक्शन लिए थे, इसका डेरिवेटिव कर रहे थे, तो एफ एक्स आया, ठीक है। ये डी बाई डी एक्स देख रहे हैं, डी बाई डी एक्स ये देख रहे हैं, डी बाई डी एक्स, ठीक है। इसको राइट साइड में जाएंगे उठा के, ठीक है, डी बाई डी एक्स को राइट साइड में जाएंगे तो क्या बोलेंगे, इंटीग्रल के साइड बनेगा, तो इंटीग्रल बन गया किस पर, एफ एक्स पर बन गया, एफ एक्स पर। और जब ये डी एक्स था, इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहा था एक्स के रिस्पेक्ट में, यही तब क्या होगा, जब इसको राइट साइड में लगाएं तब ये किसको, इसको राइट साइड में लगाएं तो इंटीग्रल करेगा किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, देख सकते हैं डी एक्स आ गया, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होगा, देख सकते हैं, अब इधर इधर चल गया तो बचेगा कौन, ये फंक्शन ही बचेगा, ठीक है, ये फंक्शन बचेगा एफ एक्स प्लस सी। और इस फंक्शन का नाम क्या पड़ेगा, क्या पड़ेगा, ठीक है। अब इसको बोलेंगे हम इंटीग्रल, हाँ इंडिफरेंट इंटीग्रल, इसको बोलेंगे क्या, इंडिफरेंट इंटीग्रल, इन डेफिनिट इंटीग्रल, इज इन इंटीग्रल। देखिए ये सब है जो बेसिक बातें हैं, ये सब जानना जरूरी है, ठीक है, ये सब जानना बहुत जरूरी है, किसको क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको डाउट होगा इसमें, कोई बातें समझना है, तो आप व्हाट्सएप या कॉल करके समझ सकते हैं हमसे, ठीक है। तो देखिए अब चलते हैं आगे, आगे चलते हैं, ये मिटा दे रहा हूँ, समझ गया ना, एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रल, ये इंटीग्रल है, ये किसके इक्वल होगा, फाइव एक्स प्लस सी, इसको बोलेंगे क्या बोलते हैं। अब जो मेन मेन पॉइंट है वो बात करेंगे, ठीक है, मेन मेन पॉइंट पर हम बातें करेंगे। जैसे आया था क्या, देखिए अब सबका हम एक शॉर्टकट में जैसे बात करें, क्या बोलते हैं, क्या क्या कहते हैं, बात करते हैं। जैसे था क्या, देखिए एक फंक्शन था, हम जानते हैं कि डेरिवेटिव, डेरिवेटिव में क्या था, देखिए फिर से बता रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। डेरिवेटिव में गिव है, इधर कहते हैं गिव है, ठीक है, देखिए डेरिवेटिव में इधर लिखते हैं ऊपर गिवन, और इधर लिखते हैं डेरिवेटिव, हाँ गिवन और फाइंड, ठीक है, ये अच्छा रहेगा, गिवन और फाइंड, ठीक है। तो डेरिवेटिव इधर इंटीग्रल, इंटीग्रल, ठीक है। देखिए डेरिवेटिव में गिवन रहेगा आपको फंक्शन, फंक्शन गिवन रहेगा, फाइंड क्या करना है, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव फाइंड करना है। और इंटीग्रल में क्या होता है, आपको गिवन क्या रहेगा, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव, फाइंड क्या करना पड़ेगा, फंक्शन, समझ गए, देखना एक दूसरे का अपोजिट है, डेरिवेटिव जो डेरिवेटिव होता है वो इंटीग्रल का उल्टा होता है,
ठीक है, यानी दोनों अपोजिट होते हैं। तो बोल सकते हैं कि इंटीग्रल इज, तो पहले हम बता चुके हैं इंटीग्रल इज एन इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव, समझ गया ये होता है। अब देखिए पॉइंट्स क्या था उसमें, आप देखते थे कि डेरिवेटिव फाइंड करें, ध्यान दीजिएगा डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव फाइंड करें किसी फंक्शन का, फंक्शन फाई एक्स अभी लिए थे आप प्लस सी, थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ क्या इसमें और अच्छे से समझा पाएंगे। देखिए फंक्शन क्या है, इस फंक्शन को हम ले लेंगे क्या, कोई एक्स स्क्वायर ले लिए, इस कॉन्स्टेंट को ले लेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ सी कॉन्स्टेंट है क्या थ्री ले लेते हैं। अब इस फंक्शन को क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, देख सकते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, तो क्या आएगा यहाँ से टू एक्स प्लस, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो आएगा, यानी टू एक्स प्लस जीरो आएगा, ठीक है, तो टू एक्स प्लस जीरो आएगा। तो ये क्या आ गया, अब क्या किया डेरिवेटिव फाइंड किए, तो टू एक्स को क्या बोलेंगे, जीरो को हटा दे रहा हूँ, ठीक है, जीरो का कोई वैल्यू नहीं होगा तो क्या होगा, जीरो खत्म, टू प्लस जीरो क्या होगा टू होगा, तो टू एक्स प्लस जीरो टू एक्स होगा, तो टू एक्स इक्वल टू क्या बोलेंगे इसको हम डेरिवेटिव बोलेंगे, डेरिवेटिव बोलेंगे, ठीक है समझ गए। अब ध्यान दीजिएगा ये तो एग्जांपल रहा, इस पर तो इसको लिख सकते हैं क्या, हमारा मान के क्या एफ एक्स आया था, समझ गए एफ एक्स, समझ गए फाइव एक्स प्लस सी को डिफ्रेंशिएट करते एक्स के स्पेक्ट में तो एफ एक्स है। अब ये जो डी बाई डी एक्स है आप यहाँ पर देख रहे हैं दोनों अपोजिट होता है, ठीक है, देखिए डेरिवेटिव में जो फंक्शन था, समझ गए, देखिए ध्यान दीजिएगा जो डेरिवेटिव में फंक्शन था वो क्या हमारा क्या बन गया डेरिवेटिव बन गया। आज जो डेरिवेटिव में जो डेरिवेटिव आप फाइंड किए थे किसी फंक्शन का, तो जैसे ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव एफ एक्स आया, तो ये एफ एक्स क्या है, एफ एक्स हमारा डेरिवेटिव है, तो ये डेरिवेटिव क्या हो गया आके आके क्या हो गया यहाँ पर इंटीग्रल में फंक्शन फाइंड हो चुका है, ठीक है समझ रहे हैं ना। देखिए एक बात और, डेरिवेटिव में फंक्शन गिवन रहेगा फाइंड डेरिवेटिव करना है, इंटीग्रल में आपको गिवन डेरिवेटिव रहेगा फंक्शन फाइंड करना है, ये एग्जांपल इसका रहा, ठीक है, या डी बाई डी एक्स को अपोजिट साइड ले लेंगे, ठीक है, तो डी बाई डी एक्स का बनेगा, यह जो डी है वो इंटीग्रल बनेगा किस पर, एफ एक्स पर, एफ एक्स पर, ये जो डी एक्स देख रहे हैं इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर रहा था एक्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन ये जब ये डिफ्रेंशिएट कर रहा था लेकिन जब इसको राइट साइड ले जाएंगे राइट साइड में, तो जो डी एक्स है अब इस एफ एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेगा, ठीक है, तो क्या आएगा देख सकते हैं, बचा कितना इतना फंक्शन फाइव एक्स प्लस सी, फाइव एक्स प्लस, अब इसी के नाम क्या पड़ेगा इनडेफिनिट इंटीग्रल, इनडेफिनिट इंटीग्रल, इनडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। अब देखिए अब जिस फंक्शन पर जिस एफ एक्स क्या है फंक्शन सॉरी एफ एक्स क्या है, यहाँ एक बात कही जाती है फंक्शन है इसमें अगर बात की जाए तो, ठीक है, लेकिन देखिए ये क्या है, देखिए हम अगर डेरिवेटिव पर नजर सिर्फ इससे का बात किया जाए तो इसमें क्या एफ एक्स एक फंक्शन है देख सकते हैं, ठीक है। अब इस फंक्शन एफ एक्स को हम क्या करेंगे, जिस फंक्शन एफ एक्स पर ये ऑपरेशन किए हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, देखिए तो एफ एक्स को हम क्या बोलते हैं इंटीग्रैंड, इसका नाम पड़ेगा इंटीग्रैंड, इंटी आई ई है इंटीग्रैंड, ठीक है। जिस फंक्शन पर हम ऑपरेशन ये किए हैं इंटीग्रल ऑफ का ऑपरेशन, जो ये ऑपरेशन होता है, ठीक है, ऑपरेशन होता है ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन का नाम क्या है इंटीग्रल ऑफ, इंटीग्रल इंटीग्रल ऑफ, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ, ठीक है समझ गया, इसका नाम है सिंबल का, ठीक है। तो एफ एक्स को हम क्या बोलेंगे इंटीग्रैंड बोलेंगे, ठीक है, तो अच्छा से मैं लिख दे रहा हूँ विस्तार से, इसको मिटा दो। देखिए जो आप इंट ये किए थे एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ये था आपका, ठीक है, तो देखिए इस सिंबल को हम क्या बोलेंगे इंटीग्रल ऑफ, इंटीग्रल ऑफ, ठीक है,
इंटीग्रल ऑफ आई इस एफ एक्स को हम क्या बोलेंगे, जिस फंक्शन पर ये इंटीग्रल का ऑपरेशन हुआ है इसका इसका नाम क्या पड़ेगा, इंटीग्रैंड, इंटीग्रैंड, ठीक है। अब ये जो आप डी एक्स देख रहे हैं इसका नाम क्या है, ठीक है, इस डी एक्स का नाम क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट, विथ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर ब्रीफली बात किया जाए यानी शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं डब्लू डॉट आर डॉट टी एक्स, शॉर्टकट में, समझ गए समझ गए। ये किसके इक्वल आता था, एक फंक्शन का इक्वल एफ एक्स प्लस सी आता था, ठीक है, समझ गए ना, एफ एक्स प्लस सी। अब देखिए अब किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करते थे तब मैं मान के ये इंटीग्रल वैल्यू आ गया। अब इंटीग्रल में प्लस सी क्यों करते हैं, देखिए प्लस सी जो सी जो यहाँ पर सी बात किया जाए, अगर सी का बात किया जाए जो सी हमारा क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है। अगर आप किसी फंक्शन का देखिए हम डेरिवेटिव से इंटीग्रल को रिलेटिव नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अभी हम इंटीग्रल की बात कर रहे हैं। तो इंटीग्रल क्या होगा, फंक्शन होगा, यहाँ एफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है, तो उसको आप इंटीग्रल कीजिएगा तो एफ एक्स कोई इंटीग्रल इंटीग्रल आएगा, ठीक है, इंटीग्रल आएगा, तो इंटीग्रल जो भी वैल्यू आएगा उसमें प्लस सी कर देंगे, इसलिए हर फार्मूला में देखिएगा प्लस सी रहेगा कर कर के, ठीक है। तो प्लस सी का मतलब आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। देखिए अलग अलग सी के वैल्यू जब पुट कीजिएगा तो आपको इंडिपेंडेंट इंटीग्रल अलग अलग ऑब्टेन होगा, ठीक है, समझ गए किसको क्या बोलते हैं, समझ गया ना।